अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मोस्ट वायरल मोदी जी सेलिंग पानीपुरी चाट इन गुजरात 25 रुपए ओनली आई आनंद फूड टूर इंडिया ईट मानिया। इस वीडियो का ओरिजिनल एक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखते हैं कि मोदी जी की कौन सी ऐसी कॉपी है जो कि बिल्कुल मोदी जी जैसे ही देख रहे हैं थंबनेल में। और अब तक तो खैर आप लोगों के लिए कोई शॉकिंग नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग था देखकर, क्योंकि मैं ऐसे ही शुरू में समझा एकदम कि यार ये मोदी जी क्यों सेल कर रहे हैं यार। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, अच्छा वायरल मोदी जी मतलब कि ये उनकी कॉपी है। चल के देखते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मुझे मोदी के नाम से पूरे इंडिया ने मुझे कबूल कर लिया है। कभी अचानक कोई घर पे भी दौड़ा आता है, मोदी जी आपसे मिलना है, अरे भाई मोदी जी सुबह में तैयार नहीं होते। ताजमहल के पास मैं पहुंचा ना तो लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे देख के ही एकदम खड़े हो गए, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, हंगामा खड़ा कर दिया, बवाल मच गया था। आपको सामने ना बोली होगी इसलिए आप अपना रिलेशन बताते नहीं हो, वरना आप मोदी के भाई हो। मैं तो यार पानीपुरी वाला आदमी ठहरा, मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे। वो बात सही है, तुम्हें देखते हो एकदम 90% पता भी नहीं चलेगा कि यहां पे मोदी जी खड़े हैं हमारे सामने या कोई और खड़ा है। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे लगाते हुए? यहाँ आनंद विद्यानगर के अंदर मैं 2011 में आया था। अच्छा। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उसके बाद बच्चे तो विदेश निकल गए और मैं यहाँ पे जम गया। ये मेरा धंधा पुराना है, मेरे फादर भी यही काम करते थे। 1951 में मेरे फादर ने जूनागढ़ सौराष्ट्र में ये धंधा चालू किया था। 5 ही आइटम रखता हूँ, मैं ज्यादा आइटम बनाता नहीं हूँ। ये पूरी भी मैं खुद बनाता हूँ, ये सेव पूरी की पूरी है वो भी मेरी है, ये भेल में सब में डालने का जो ये चवाणा है वो भी मेरी खुद की बनावट है, ये भेल के लिए ममरा है वो भी मेरा खुद का फ्राई किया हुआ है, ये बास्केट चाट दिल्ली में कटोरी चाट बोलते हैं, यहाँ पे बास्केट चाट बोलते हैं, यहाँ तक कि इसमें जो बर्फ डालता हूँ पानी में ये भी मेरा खुद का चमाया हुआ है। आपको पता कैसे लगा कि आपकी शक्ल एकदम मोदी जी से मिलती है? मुझे पता नहीं था, मुझे पब्लिक ने बताया। ये तीखा वाला पानी है, इसमें पुदीना धनिया अदरक मिर्ची गरम मसाला, और ये हमारे गुजरात के लोग मीठा पानी पसंद करते हैं। और ताजमहल के पास मैं पहुंचा ना तो लोगों ने मुझे घेर लिया था, वो सब लोग मुझे देख के ही एकदम खड़े हो गए, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, हंगामा खड़ा कर दिया, बवाल मच गया था। पुलिस वालों ने आके मुझे बोला भाई हमको परेशानी होगी, आप एक काम कीजिए एक साइड में बैठ जाइए। उसके बाद फिर हम संसद भवन की ओर गए थे, वहाँ पे भी लोग फोटा खींचने लगे थे। तो आपकी तो आवाज भी एकदम मोदी जी से मिलती जुलती। उसमें कहते हैं ना लोग कि तुम्हारे दिमाग में जो बात हरदम रहती है वो धीरे धीरे उसकी स्टाइल में तुम आ जाते हो, ऐसा अक्सर हुआ है। मेरा आवाज में भी ऐसा हुआ है, स्टाइल में भी ऐसा हुआ, और अभी तो समझ लो कि गुजरात इंडिया नहीं पर वर्ल्ड लेवल पे ये छा गया हूँ। तो कल को आप भी इलेक्शन लड़ना चाहोगे यहाँ से? ना भाई साहब, मुझे इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर साहब का ऑर्डर आए तो ना नहीं बोल सकते, बाकी अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना अच्छा है। इसमें भी मैंने ये बर्फ के लिए जूता बनाया हुआ आइस बॉक्स, बर्फ के अंदर ये सही, इसके ऊपर मैं ये दही रखूंगा तो पूरे दिन दही ठंडा ही रहेगा। फैमिली एक आया था तो 10 साल का बच्चा तुरंत दौड़े दौड़े मेरे पास आया, आके मुझे बोलता है आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई? नहीं भाई। क्यों? आप मोदी जी जैसे क्यों दिखते हैं? कोई तो मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो भी गुजरात से? आप भी गुजरात से? हाँ जी, वो गुजरात वडनगर के है, मैं जूनागढ़ का हूँ, सौराष्ट्र में आस पास नजदीक में। कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज क्या खिलाने वाले हैं हम यहाँ? पानीपुरी पहले खिलाऊं मैं आपको? पानीपुरी खा के मजा आ जाएगा ना? हाँ हाँ, सवाल ही नहीं। तो वही देख सकते हो हमारे यहाँ पे पानीपुरी लगाई जाएगी, इसमें सोजी और गेहूं का मिश्रण है, और पूरी खाने में भी एकदम क्रंची लगेगी। आलू चना का मसाला जो सब लोग बनाते हैं ना, वो आज पूरी से कटिंग करता हूँ। तो कितने रुपए की प्लेट रहती है ये? 30 रुपीज, 7 पीस। 7 पीस रहते 30 रुपए के, तो साथ में आपको पानी मिल जाएगा, ये हल्का खट्टा पानी। इसके अंदर का जो गर्म मसाला होता है वो भी मेरे हाथ का ही है। जैसे आमतौर पे पानीपुरी वाले जो डालते हैं खटास खरास, वो तो होती ही है, मगर उसके अलावा मेरा एक अलग से मसाला है। कोई गैस ट्रबल है, एसिडिटी के ट्रबल है, 3 दिन से बुखार आ रही है, भूख नहीं लग रही है, थाली पे बैठता हूँ लेकिन खाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं 2 ग्लास पानी पी लेता 1 घंटे के बाद खाने बैठ जाता है। तो मेरा मोदी जी से मिलने का सपना था, मेरा तो आज पूरा हो गया यहाँ पे। जी मेरा बाकी है अभी। ये मीठा पानी है और ये तीखा है। सुबह सुबह में अगर 6:30 बजे तुम अपना पूरे का काम करते हो, गंजी बनियान पहन के काम करते हो, और कोई फोन कॉल करेगा, वीडियो कॉल करेगा, मोदी जी आपसे मिलना है, अरे भाई मोदी जी सुबह में तैयार नहीं होते। सुबह सुबह में तो हम ऐसे नहीं रह पाते, तो घर पे काम करते करते कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। और काफी फेमस हो गया है, यहाँ पे इनकी बास्केट चाट भी लगाई जाती है, और काफी बढ़िया सी बास्केट चाट यहाँ पे लगाते हैं। 5 किलो लेती है इसमें? हाँ, 50 रुपीज में ये मिक्स चवाना भरता हूँ। साथ में आगे इनकी रेड चटनी जो की हल्की सी स्पाइसी रहती है,
और ये आगे धनी पुदीनी चटनी रहती है। हाँ, इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्ची। तो हमारी बढ़िया सी बास्केट चाट लग के रेडी हो चुकी है, सिर्फ 50 रुपए की रहती है। और जो दही देख सकते हो, दही भी एकदम घर का रहता है, एकदम क्रीमी गाढ़ा दही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपकी इतनी एज हो गई, आप थकते नहीं पूरा दिन काम करके यहाँ पे? नहीं, अभी आदत हो चुकी है, 18 साल की उम्र से ये धंधे में लगा हूँ। तो अभी क्या है कि बैठ जाता हूँ ना तो कंटाल जाता हूँ। बीच में कोरोना के अंदर मेरे सब लड़के बाहर सेट हो गए थे, तो मुझे बोल रहे थे पापा अभी मेहनत बंद करो, वैसे भी 60 साल तक तो पहुँचने आए हो, रिटायर हो जाओ। तो कोरोना के कारण मैं बैठ गया था 1.5 साल घर पे, मगर मन नहीं मान रहा था, क्योंकि रोज शाम को यहाँ पे 200-300 आदमी के साथ तुम मुलाकात करते हो, बातचीत करते हो, हंसते बोलते काम करते हो, और फिर घर पे अचानक बैठ जाना आए तो ऐसा लगता है जैसे जेल में आ गए। मोदी जी ने भी रिटायरमेंट नहीं लिया? हाँ, नहीं लेंगे ना भाई, वो लेंगे तो देश का क्या होगा। और आप ले लोगे तो इस दुकान का क्या होगा। 1 साल के अंदर मुझे 35 करोड़ आदमियों में प्रख्यात कर दिया। अभी तक मैं सब लोगों ने जितनी रेल बनाई है सबका हिसाब करो तो 35 करोड़ यू बोलते हैं सबके। और अभी मुझे ये एक ही उम्मीद बाकी है कि साहब से एक बार मिल लूं, साहब के साथ एक मस्त फोटो खिंचवा लूं, काम खत्म फिर। तो फाइनली आनंद के अनिल भाई ठक्कर जी ने हमारे यहाँ पे जैसे पानीपुरी की प्लेट लगा दी है, पापड़ी चाट लगा दी है, बास्केट चाट लगा दी है, और एकदम बढ़िया तरीके से सर्व किया है। और इनकी जो शक्ल है हूबहू मोदी जी से मिलती है। मोदी जी हमारे यहाँ पे चाय लगाते थे और यहाँ पे चाट लगाते हैं। तो चलिए इनकी पानीपुरी टेस्ट करते, देखते कैसी बनी है। तो हम दोनों पानी को अच्छे से मिक्स करके इसको टेस्ट करेंगे। तो खट्टा पानी डालेंगे और थोड़ा सा मीठा पानी यहाँ पे डालेंगे। तो भाई इनकी जो पानी पूरी काफी ज्यादा टेस्टी बनी है, एकदम चटपटी सी है, खट्टा मीठा फ्लेवर एकदम ज्यादा बढ़िया है, एकदम चिल पानी यूज किया है, एकदम मुंह में डालते ही एकदम मजा आ जा रहा है। तो खट्टा मीठा एकदम फ्लेवर है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी का नाम है तो कुछ भी बेच रहे हैं, बट टेस्ट जो है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे पापड़ी चाट लगाई हुई है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो एकदम क्रिस्पी सी चाट है और साथ ही साथ जो सेव डाली है, चटनी डाली है, काफी बढ़िया फ्लेवर है, तो खा के एकदम मजा ही आ गया। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ उनकी बास्केट चाट। तो बास्केट चाट में एकदम फ्रेश दही डाला हुआ है, खट्टी चटनी डाली है, मीठी चटनी डाली है, और ऊपर से देखते हैं यहाँ पे अनार डाला है, तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल मुझे इनकी सारी आइटम्स काफी ज्यादा टेस्टी लगी। बात की जाती प्राइस की, 30 रुपीज की यहाँ पे गोलगप्पे की प्लेट रहती है, बाकी ये दोनों आपको 50 रुपीज मिल जाएगी। तो अगर किसी को पानी पूरी खानी तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? 4 बजे आता हूँ मैं, 4 बजे से 10 बजे तक, 4 से 10। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? वैसे कोई भी काम हो, अर्जेंटली कोई काम आ जाए और बंद रहे तो बात अलग है, या तो फिर कोई प्रसंग हो घर पे तो बात अलग है, वरना मैं छुट्टी का माहौल नहीं मेरा, हरदम चालू। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए कहाँ? हाँ जी, यहाँ आनंद में है, मोटा विद्यानगर, मोटा बाजार, निर्मल निकेतन स्कूल के पास, तुलसी पानी पूरी। तो अगर आप भी गुजरात के आनंद में विजिट कर रहे हो तो एक बार आके इनको जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपकी मोदी जी से मिलने की इच्छा हो तो यहाँ पे आके आप इनसे मिल सकते हो, सेल्फी खिंचवा सकते हो। बहुत ही प्यार से यहाँ पे ये हमारे लिए पानीपुरी लगाते हैं, सेवपुरी लगाते हैं, बास्केट चाट लगाते हैं, तो सारी चीजें इनकी मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगी। तो इनकी चाट को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ये कब की वीडियो है? ज़ेरॉक्स कॉपी है यार। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मोदी जी को जो है ना, कोई किसी बंदे को कह देना चाहिए कि यार इनको अपने साथ मिलवाए ना, मिल लेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में जरा काम से मतलब वो है, इतने वो नहीं है एटीट्यूड वाले ना, मतलब वो जल्दी इनका वीजा लगने लगा है मोदी जी के पास। और यार मतलब ना कोई भी देख के एक दफा इस चीज को वो कर सकता है, शौक हो सकता है कि यार ये मोदी ही है। वो कहते हैं ना कि हम एक चीज की मास्टर कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ये मास्टर कॉपी है, मास्टर कॉपी है। वो कह रहे हैं ना आवाज भी बिल्कुल सेम वही, ये किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं अपने उससे, कि अगर बल्कि वीडियो कॉल पे और मैं भी यही सोच रहा था कि मोदी जी को तो इस चीज की वो होनी चाहिए कि उनकी आधी कंपेन चला सकते हैं, कई जगहों पर जलसे के लिए वो जाएं, कई जगहों पर वो जलसे के लिए इसको भेज दें। जलसे के लिए नहीं जा सकते, ये खाली इफ्तिताह के लिए, फीता काटने के लिए, जब बोलेंगे तो काम खराब हो जाए, जो आसानी आसानी काम हो उसके लिए तो चले जाए ना, कहीं हाथ हिलाना हो तो इनको भेज दें, ठीक है जी यार चलो बस, ताकि काम चल जाए, भाषण भाषण काम खराब हो जाए। वैसे सीरियसली ये मैंने प्यूटन के बारे में सुना। अच्छा, उसने अपना एक जाली बंदा रखा, एक नहीं 6 हैं कहते हैं, कॉपीज हैं और अक्सर ये होता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा है ना, तो उन वो सम टाइम कहीं पर अगर जाना होता है तो इस तरीके से करते हैं कि एक में वो, एक में ये, एक में कहीं और, कि ये जज ना हो पाए कि असली वाला किस में है। यार ये तो बड़े जबरदस्त चीज। हाँ, ये तो कभी वैसे सर्च करी है, मैंने सुना था एक जगह पर, फिर मैंने सर्च किया था कि प्यूटन की इस तरह की कॉपीज हैं, जो लोगों ने कई दफा इस चीज को कैमरे में वो किया कि यार कहीं ना कहीं जो है ना वो शुबा होता है कि ये असली प्यूटन नहीं है जो फ्रंट जगह पे आया। बाकी यार ये तो फिर कॉपी बना सकते हैं, कहीं ऐसी जगह खतरा हो इनको आगे कर दे। नहीं,
मतलब नहीं, जैसे देख उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसमें भी आप एग्जैक्ट कभी गाड़ी को वो नहीं कर पाते हो कि यार किस गाड़ी में वो जा रहे हैं ना, तो इस तरीके से समटाइम ऐसा होता है कि वो दो या तीन इस तरह के हों कि वो कहीं पर गए हैं, तो क्योंकि थ्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहरहाल यार वीडियो मजे की थी, इनकी जो पानीपुरी है या बेलपुरी है या गोलगप्पे हैं जो भी कह लो आप, वो भी अच्छे होंगे, जरूर अच्छे होंगे, लेकिन ये वीडियो हमने स्पेशली देखी ही मोदी जी के लिए थी कि यार उनकी जीरोक्स कॉपी है, तो मैं तो शौक रह गया था, सीधी सी बात है। अगर आप लोग गुजरात से हो और आप लोग इनसे मिले हो या आप लोगों को इस बारे में पता था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।